हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी वो एक कॉस्टिंग के बारे में और उसके साथ मैंने ओवन के बारे में बताया हुआ था कि क्या ओवन कितने टेम्परेचर पकेगा और कितना टाइम लेगा जितने आपकी कॉस्टिंग आएगी। दोस्तों ये वीडियो जो है रोटेक ओवन के बारे में और डेक ओवन के बारे में। कई सारी चीज़ें होते हैं जो रोटेक ओवन में अलग होती है, डेक ओवन में अलग होती है, तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेम्परेचर के रिलेटिव में जब हम ब्रेड बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं, तो किस में क्या टेम्परेचर लगता है जिससे हमारी कॉस्ट भी बचती है, अपने जो प्रोडक्ट होता है वो भी ज़्यादा आता है और किस तरह से उसको बेनिफिट मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको डेक ओवन के बारे में बता देता हूँ। जो डेक ओवन होता है उसमें एक ट्रे, दो ट्रे, यानी सिंगल डेक पे हम एक ट्रे बोलते हैं, दो ट्रे बोलते हैं, तीन ट्रे, चार ट्रे, इस तरीके से एक डेक ओवन में जाती है। दूसरे डेक में भी सेम वही है, एक ट्रे, दो ट्रे, तीन ट्रे, ये एक बार में जाती है। दोस्तों जो अपना डेक ओवन में जाता है उसमें एक बार में तीन ट्रे जाएगी, फिर नीचे उसके तीन ट्रे जाएगी, फिर उसके तीन ट्रे, यानी कि आप नौ ट्रे एक साथ बेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपकी बेकिंग चलती है। दोस्तों ये आपके बेनिफिट कहाँ पे होगा, इसका बेनिफिट दोस्तों जब हम क्रस्ट ब्रेड बनाते हैं, सावर डो बनाते हैं, तो आप देखते हो कि हम वुडन की सहायता से अपनी ब्रेड जो है अंदर को डालते हैं, फिर उसको खींचते हैं, ऊपर से क्रस्ट कलर आता है, अंदर से सॉफ्ट आता है। तो उसी तरीके से जो हमारी ये ब्रेड हैं उस चीज़ में मदद करती है। ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट में मिलता है दोस्तों, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको मान लो पिज़्ज़ा चाहिए होता है, कुछ मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होते हैं आपको कम क्वान्टिटी पर, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादातर रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के डेक ओवन हो गए। इसके नीचे दोस्तों प्रूफिंग चैम्बर भी होता है, क्रोसो या हमें ब्रेड को प्रूफिंग करना होता है, तो इस प्रूफिंग चैम्बर में डालते हैं जिससे कि ब्रेडें उड़ती है CO2 गैस से जिसमें हमें ईस्ट प्रोडक्ट पड़ा होता है, तो उस चीज़ के लिए प्रूफिंग चैम्बर यूज़ किया जाता है। दोस्तों रोटेक ओवन के बारे में बता देता हूँ। जो रोटेक ओवन होता है उसे एक बार में कई सारी ट्रे जा सकती है, यानी कि एक बार एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कई बार सारी उसमें ट्रे जा सकती है। उसमें कोई डेक ओवन की ज़रूरत नहीं होता, वो एक टेम्परेचर में बहुत सारी चीज़ों को पका सकता है। अब ओवन में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि 5 ट्रे इसमें, 6 ट्रे, 7 ट्रे, 10 ट्रे एक बार में डाल सकते हो, तो इससे ये होता है कि आपका एक टेम्परेचर में कई सारी ब्रेडें बेक हो जाके आ जाती है। तो ये जो कि डेक ओवन में नहीं होता है, डेक ओवन में क्या होता है उसे एक बार में 3 ट्रे बेकिंग होती है एक बार में। लेकिन इसमें दोस्तों रोटेक जो ओवन होता है इसमें आप एक बार में कई सारी ट्रे एक साथ बेक करके अपना प्रोडक्शन की जो क्वान्टिटी होती है वो ज़्यादा कर सकते हो। इसमें छोटे ओवन में भी रोटरी ओवन आते हैं, इसमें फैन लगे रहते हैं लेकिन ये राउंड ही नहीं रहते, ये ट्रे अपने आप पहले से ही सेट रहती है, आपको खाली ट्रे डालना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप इसमें 5 ट्रे एक साथ डाल के आप इसे बेकिंग भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं इन दोनों के कुछ पॉइंटेड बताऊंगा जो आपके डेक ओवन के रिलेटेड में होता है, रोटेक ओवन के होता है। तो सबसे पहले जो डेक ओवन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजनेशन डेक ओवन में कम होती है, क्योंकि वो सिंगल डेक ओवन में पकाते हो और डबल डेक में पकाते हो, तो वो आप पे डिपेंड रहता है कि आप सिंगल डेक चलाना चाहो या दोनों डेक चलाना चाहो। सो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजेशन होती है तो उस चीज़ को आप रोक सकते हो। लेकिन जो अपने रोटेक ओवन होता है, रोटेक ओवन का दोस्तों जो अब एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें जा रही होती है, तो इस चीज़ में उसमें कोई हम चीज़ को बंद नहीं कर सकते, मतलब आप एक ओवन चला रहे हो तो उस चीज़ को पूरा चलाना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रे पका रहे हो, दो ट्रे पका रहे हो, तो वो रोटेक ओवन में आपकी कंजनेशन ज़्यादा जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसी चीज़ के लिए जो अगर आप स्टार्टिंग करते हो, कोई भी आप चीज़ें बनाना चाहो, छोटे से शुरुआत करते हो, तो वो डेक ओवन सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी जो कि रोटेक ओवन में लगती है। हाँ, रोटेक ओवन में ये चीज़ें वो एक बार में एक चीज़ को कई सारे प्रोडक्ट में बना सकता है, यानी कि आपकी जो एक ब्रेड होगी वो आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल देगा। लेकिन आप जाए चाहे छोटी क्वांटिटी में बनाना चाहो, छोटा रेस्टोरेंट शुरू करना चाहो, जैसे कि अपने पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह स्टार्ट करते हैं ना लोग कुछ रेस्टोरेंट तौर पे, तो वो उसके लिए सही रहता है। आप अपना जो है छोटा सा आउटलेट खोल सकते हैं रेस्टोरेंट के तौर पे, वो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं टेम्परेचर लाना चाहूँ डेक ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे 15 मिनट से ऊपर लग जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं रोटेक ओवन की बात करता हूँ तो इसमें टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पंखे लगे रहते हैं जो अंदर की जो हीट होती है उसे रोटेक करते रहते हैं, तो इससे जो है टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। तो इसी तरीके से यानी कि आपका 10 मिनट के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और अगर मैं पकाने की बात करूं तो जो अपना डेक ओवन का जो टेम्परेचर होता है हाई हीट पे पकाना पड़ता है, इसको आप लो हीट पे पका सकते हो। यानी कि जब आप इसमें कुकीज़ पकाते हो, कुकीज़ का जो टेम्परेचर होता है तो इसमें 170 से 165 डिग्री पे रखना पड़ता है। लेकिन इसमें आप जो अपना रोटेक ओवन होता है इसमें आप 160 डिग्री पे भी उस चीज़ को बेक कर सकते हो। अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं, चाहे आप बेकरी को स्टार्टअप देना चाहें तो डेक ओवन सही रहते हैं। रोटेक ओवन में दोस्तों बिग कॉस्ट लगती है, यानी कि ज़्यादातर आपको अगर कॉस्टिंग की बात करें तो डेक ओवन जो है सस्ते मिल जाएंगे और रोटेक ओवन महंगे मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका आपको पता ही है, वो टेम्परेचर आने में टाइम नहीं लगाता, बेकिंग करने में टाइम नहीं लगाता, एक साथ कई सारे आप प्रोडक्ट उसमें बेक कर सकते हो एक ही टेम्परेचर पे। एक ही टेम्परेचर पे आप उसमें कई मतलब
एक ही क्वांटिटी के तहत कई सारे प्रोडक्ट निकाल सकते हो। रोटेक ओवन का मतलब ये होता है जो एक हीट को रोटेक करता रहे, यानी कि जो उसका पंखा होता है दोस्तों, अंदर की जो फैन होता है वो चलता रहता है, और जो अपनी ट्रॉली होती है वो घूमती है दोस्तों। ये जो फैन चलते हैं तो हीट प्रॉपर तरीके से समय बराबर पकता है। तो इसी जो अपना डेक ओवन होता है, डेक ओवन में दोस्तों रॉड लगी रहती है, जिससे कि वो पहले रॉड गर्म होती है, फिर जाके ओवन में कोई चीज़ पकना स्टार्ट होता है, तभी इसका टेम्परेचर पहले लगा दिया जाता है हीट के लिए कि 15-20 मिनट तक उसका जो टेम्परेचर है वो आ जाए। अगर आप बल्क में प्रोडक्ट करते हो या फिर एक ही तरह की चीज़ बनाते हो, चाहे अपना कुकीज़ से रिलेटेड हो जाए, रस से रिलेटेड हो जाए, ब्रेड से रिलेटेड हो जाए, तो उस चीज़ के लिए अपना जो रोटेक ओवन होता है वो सही रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है और गैस में होता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है वो आपको पता ही, बिजली से चलती है, और जो अपना गैस ओवन होता है उसमें बर्नर लगे रहते हैं दोस्तों। वो मैंने ये कि पहले हीट को पहले गर्म करता है, वो बर्नर धीरे धीरे टेम्परेचर लेके आता है, तो उस तरीके से उसमें बर्नर लगे रहते हैं। यहाँ पे जो डेक ओवन होता है इसमें रॉड लगे रहते हैं, रॉड गर्म होती है तो ओवन गर्म होता है। यहाँ पे बर्नर जब गर्म होगा तब ओवन का जो गर्म होता है। मार्केट में जो ओवन आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, यानी कि जो आपके काम को आसान कर देते हैं। और एक चीज़ और, जैसे आप ओवन यूज़ करते हैं तो आपको लाइट का भी ध्यान रखना होता है, कि जैसे कि लाइट चली जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो ओवन होता है वो हीट देना बंद कर देगा, तो यानी कि बंद हो जाएगा, तो इसीलिए उस पर जनरेटर यूज़ किया जाता है। तो यहीं पर अगर हम गैस ओवन की बात करें तो गैस ओवन में जो होता है कि हमारे वो गैस से चलती है, गैस से चलने के बाद आप चाहे तो उससे एक इन्वर्टर ला के जो उसका लाइट का जो होता है पावर उसमें दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पावर होगी ऑटोमेटिक होगी वो चलता रहेगा, और जो गैस होगी वो आपके ओवन को हीट देती रहेगी। यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होता है और गैस से ओवन से होता है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप चाहे जनरेटर लगाना चाहें तो वो भी एक अलग से आपको सेपरेट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गैस ओवन में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो जो डेक ओवन होता है वो ज़्यादा एरिया ले लेता है, क्योंकि आप तीन डेक मान लो, एक सिंगल डेक में आप तीन ट्रे डाल लो तो तीन ट्रे फिर तीन ट्रे, यानी कि आपके एक बार में 9 ट्रे जा रही है। लेकिन आप रोटेक ओवन में मान लो, रोटेक ओवन में एक साथ ये बड़ी जो अपना ओवन होता है इसमें आप 42 ट्रे एक साथ डाल सकते हो, जो 42 जो ट्रे आएगी वो एक साथ जाएगी और एक साथ बाहर आएगी। तो ये देखिए इसका जो डायमीटर होगा वो कम होगा। बड़ी बेकरी खोलना चाहो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो उस चीज़ के लिए जो अपना रोटरी ओवन सही रहता है, क्योंकि जो उसकी हीट होती है वो ज़्यादातर फैलती रहती है, वो बहुत जल्दी टेम्परेचर आ जाता है, और उसमें हीट की जो कंजर्वेशन है वो भी कम लगती है, और आपको सबसे बड़ी बड़ी बात तो यही है कि वो आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। उसमें आप सिंगल फेस यूज़ नहीं कर सकते जो अपना ओवन होता है दोस्तों, उस चीज़ के लिए हमें 3 फेस की वायर लगेगी, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ज़्यादातर कंजर्वेशन खाता है, जो घर का जो मीटर होता है काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हमें मार्केट तौर पर कॉमर्शियल जो मीटर आता है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर मोटे तार जो होंगे, मोटे तार मतलब उसमें 3 फेस की वायर अच्छी होगी, जो कि अपने ओवन को काफ़ी हीट देती है, और उस चीज़ पर हमारा जो तार होता है वो जलता नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंटेड थे जो मैंने आपको बताया कि रोटरी ओवन और डेक ओवन में किस तरह से अलग अलग होते हैं। अगर मैं पर्सनली तौर पर बात करूँ कि आप कौन सा ओवन लें, तो आप जो है डेक ओवन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटा स्टार्टअप के तौर पे ओपन करते हैं तो डेक ओवन यूज़ करें, क्योंकि आपके उसमें छोटे प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि आपके लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, छोटी क्वांटिटी में होते हैं, तो उस चीज़ के लिए डेक ओवन सही रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेंगे जो अपना यूज़ में होगा। इसमें तो हम ब्रेड भी पका सकते हैं, जो अपना पिज़्ज़ा वगैरह होता है वो सब भी आराम से पकता है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको नॉलेज दी रोटरी ओवन के बारे में, डेक ओवन के बारे में, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेजबल वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।